अपने आसपास की दुनिया को देखने पर जो कुछ भी हमको नजर आता है, जितना भी मैटर हमको दिखाई देता है, वो मैटर हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा अगर हम ये ना जानते हो कि मैटर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। वैसे इंटरेक्शन कैसे होता है, इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, इन सब का थोड़ा बहुत आइडिया आप सबको पहले से ही होगा। बट फिर भी पार्टिकल फिजिक्स हमको ये कहती है कि इस ब्रह्मांड के सारे मटेरियल फर्मियों से मिलकर बने होते हैं। अब फर्मियों से दो टाइप के होते हैं, पहले लेप्टॉन एंड दूसरे क्वार्क्स। और सभी टाइप के पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है एक्सचेंज बोसॉन्स की वजह से। तो बोसॉन एक एक्सचेंज पार्टिकल है, तो लेप्टॉन, क्वार्क एंड एक्सचेंज बोसॉन ये तीनों मिलाकर एलिमेंट्री पार्टिकल की एक पूरी फैमिली बनाते हैं। खैर इस पर हम कभी और बात करेंगे। तो इंटरेक्शन पर वापस आते हैं, तो बेसिकली हमारे पास चार प्रकार के फंडामेंटल इंटरेक्शन होते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, नंबर थ्री वीक इंटरेक्शन एंड लास्ट है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब चारों प्रकार के इंटरेक्शन हर रोज हमारे ऊपर एक्ट होते रहते हैं, वेदर हम इनको रियलाइज करें या नहीं। बास्केटबॉल खेलने से लेकर स्पेस में रॉकेट छोड़ने तक इन चारों इंटरेक्शन का कॉम्बिनेशन हम फील करते हैं, और ये इंटरेक्शन इस ब्रह्मांड में होने वाली हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देखिए, इसमें आप चारों फंडामेंटल इंटरेक्शन को एक सिंगल इमेज में देख सकते हो। लाइक बास्केटबॉल जब नीचे जाती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड बॉडी के सेल के अंदर जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन हो रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड फर्दर ऑन द स्मॉल स्केल आपको और दो फंडामेंटल इंटरेक्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके इन इंटरेक्शन की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की सबसे खास बात यह है कि ये चारों इंटरेक्शन में से सबसे बेसिक इंटरेक्शन है। अब क्योंकि ये ग्रेविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, और ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास या एनर्जी होती है उनके अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये हम सबके लिए सबसे फैमिलियर इंटरेक्शन में से एक है, क्योंकि बचपन से ही हमको ग्रेविटी के बारे में समझाया और पढ़ाया जाता है। बट फैमिलियर होने के बावजूद भी ये इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बेसिकली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का मोस्ट ऑफ द यूज़ हमको एस्ट्रोफिजिक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पार्टिकल फिजिक्स में क्योंकि हम माइक्रो स्केल पर जाते हैं, वहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि ग्रेविटी वहाँ पर हमको मिसिंग दिखाई देती है। इसी कारण हमको अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल नहीं मिला। दरअसल ग्रेविटेशनल फोर्स को इस फॉर्मूले से प्रेजेंट किया जाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक लॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है। सपोज कीजिए आपके पास दो मास हैं एम वन एंड एम टू, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा वो एक एक्सचेंज बोसॉन के थ्रू होगा, जिसको कहा जाता है ग्रेविटॉन। आई होप ग्रेविटॉन का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है। अब वेल, ग्रेविटॉन को हमने अभी तक एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया, ये केवल हमारे थ्योरेटिकल मॉडल्स में ही एग्जिस्ट करता है। अब देखिए हर एक टाइप के इंटरेक्शन के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि हम एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जो कि उस फोर्स के इंटरेक्शन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ये कांस्टेंट इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर अपॉन एच कट इंटू ई। इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 6×10⁻¹¹. तो ये वैल्यू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। देखिए ये वैल्यू कितनी ज़्यादा कम है। दरअसल इसी डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वजह से हम सारे इंटरेक्शन की रिलेटिव स्ट्रेंथ को पता करते हैं। एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के केस में आप ये वैल्यू देख सकते हो कि कितनी कम है। हालांकि फिर भी ग्रेविटी प्लैनेट, स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज को आपस में बांध कर रखती है। इस बात के बावजूद कि एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्केल पर ये चारों फंडामेंटल फोर्स में से सबसे वीकेस्ट है, मतलब जितने स्मॉल स्केल पर आप जाओगे ग्रेविटी का इफेक्ट आपको उतना ही कम देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको ग्राउंड से बॉल उठाने में कितना फोर्स लगता है, या फिर जंप करने में आप कितना फोर्स लगाते हो। दरअसल आपके सारे एक्शन ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट करते हैं, एंड मॉलिकुलर एंड एटॉमिक लेवल पर ग्रेविटी का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसी कारण ग्रेविटी इज वीकेस्ट
एंड नॉट एक्सेसिबल एट एटॉमिक लेवल। नाउ सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। वेल ग्रेविटी के केस में हमने देखा कि वो दो मासेस के बीच में होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन केवल दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। एंड इस केस में जब दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 एक डिस्टेंस पर सेपरेट हों, देन इनके बीच में एक इंटरमीडिएट पार्टिकल का एक्सचेंज होता है जिसको हम कहते हैं फोटोन। समटाइम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r². अब क्योंकि ये फोर्स भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। वेल, इस फोर्स के बारे में भी हमने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि ये हमारी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिसाइड करता है। ज़्यादातर कॉमन चीज़ें जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही फॉर्म है। नाउ अगर हम इसके डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट की बात करें जो कि इसके इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है E²/4πε0 h³ × E। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1/137 एंड अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होता है 10^-2। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इस कॉन्स्टेंट का क्या नाम है। दरअसल इस कॉन्स्टेंट को हमने नाम दिया है, इसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। एंड आप सब ये जानते ही होंगे कि एटॉमिक फिजिक्स में अल्फ़ा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल, अगर आप अल्फ़ा के बारे में नहीं जानते कि इसकी वैल्यू हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी डिटेल में बात हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। नाउ अब थर्ड टाइप का इंट्रैक्शन है वीक इंट्रैक्शन या फिर वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। दरअसल ये पार्टिकल डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें एक टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल दूसरे में बदल जाता है। जैसे कि न्यूट्रिनो जब किसी दूसरे न्यूट्रॉन के पास आता है, तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है एंड न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। बाकी के इंट्रैक्शन की तरह यह भी फोर्स कैरिंग बोसोन पार्टिकल के थ्रू होता है। एंड इस टाइप के इंट्रैक्शन में बेसिकली लेप्टॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेप्टॉन्स जब बेरियन के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली वीक टाइप का इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि अभी हमने न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रॉन वाले एग्जाम्पल में देखा, जिसमें न्यूट्रिनो एक लेप्टॉन है एंड न्यूट्रॉन एक बेरियन है। तो कुल मिलाकर ये एक वीक टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है। एंड इस टाइप का इंट्रैक्शन सन में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि सन को पावर देती है। एंड इसी प्रकार से आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी वीक टाइप ऑफ इंट्रैक्शन काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि वो कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं लिविंग आर्टिफैक्ट्स की एज को पता लगाने के लिए। तो देखिए, कार्बन 14 के पास 6 प्रोटॉन होते हैं एंड 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक न्यूट्रॉन डिके होकर प्रोटॉन में बदल जाता है एंड बनाता है नाइट्रोजन 14, जिसके पास 7 प्रोटॉन होते हैं एंड 7 न्यूट्रॉन होते हैं। एंड ये डिके एक प्रेडिक्टेबल रेट के साथ होता है, जो कि वैज्ञानिकों को अलाउ करता है उन आर्टिफैक्ट्स की एज को पता लगाने के लिए। तो अब अगर हम इसके डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट की बात करें, तो उसको हम अल्फा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 10^-5। नाउ अब लास्ट टाइप का इंट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ये बेसिकली नेचर में अट्रैक्टिव होता है और न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाया जाता है। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता और ये शॉर्ट रेंज होता है। अब इनके जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं उनको कहा जाता है पायॉन्स। एंड इसके डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट को हम अल्फा एस से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 1। इसी कारण ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कितना स्ट्रॉन्ग? 6,000 trillion 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 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फंडामेंटल पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखता है। ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जैसे हैवी बेरियोनिक पार्टिकल्स को बांधता है। एंड बाकी के फोर्सेस की तरह ये स्ट्रॉन्ग फोर्स थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि बाकी के फंडामेंटल फोर्स की तरह ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम नहीं होता, बल्कि एक रेंज में बढ़ता है। तो अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो नंबर 1 पर आता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 1। नंबर 2 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10^-3। थर्ड नंबर पर है वीक इंट्रैक्शन, जिसकी वैल्यू होती है 10^-5। एंड लास्ट नंबर पर है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 10^-39। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है।
पर इन सब में अब सबसे आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ये है कि क्या चारों फंडामेंटल फोर्सेज एक सिंगल फोर्स में कंबाइन हो सकते हैं? वेल, इसका जवाब है नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकते। अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड मैनी मोर कंडीशन, देन मे बी वो कंबाइन हो जाए। इसी कारण साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बिग बैंग के टाइम पर चारों फंडामेंटल फोर्सेस कंबाइन थे एंड देन कंडीशन चेंज हुई एंड देन हमको चारों फोर्सेस सेपरेट आउट मिले। 1979 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को वीक फोर्स के साथ कंबाइन कर दिया गया एंड देन हमारे सामने इलेक्ट्रो वीक फोर्स का कंसेप्ट आया। एंड रिसेंटली डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी के ओरिजिन के बाद हमारे सामने एक फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है, पर वो जब तक हमारी लिस्ट में ऐड नहीं हो सकता जब तक हमको डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के एक्सचेंज पार्टिकल का पता ना चल जाए। तो फिलहाल ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस एंड अपडेट आपसे मिस ना हो पाएँ।